हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स। और मैं हूँ जयश्री। कैसे हैं फ्रेंड आप सब लोग? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट पढ़ के। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ डबल साड़ी ट्रैपिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि एक साड़ी से मैंने लहंगा ट्रैप किया है और दूसरी साड़ी से मैंने दुपट्टा सेट किया है, तो कुछ इस तरह से। और फ्रेंड, इस तरह की साड़ी को जब हम ड्रैप करके किसी भी शादी फंक्शन में जाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है। और फ्रेंड, किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये साड़ियाँ हैं या फिर लहंगा और दुपट्टा। फ्रेंड, किसी शादी फंक्शन के लिए यदि आप कोई पर्टिकुलर कलर में दुपट्टा और लहंगा चाहते हैं, बट उस टाइम पर आपको वो जो कलर आप चाहते हैं वो कलर का लहंगा या दुपट्टा नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम अपने मन चाहे कलर की साड़ियाँ ले सकते हैं और उन साड़ियों से हम लहंगा और दुपट्टा सेट कर सकते हैं और फिर हमें हमारा मनचाहा कलर भी मिल जाता है। तो इस बार यदि आप चाह रहे हैं कि हमारी मनचाहे कलर की हमें ड्रेस चाहिए, तो इस तरह से आप लहंगे के रूप में उसे ड्रेप करके पहन लीजिए, आपको आपका कलर भी मिल जाएगा और एक खूबसूरत सा लुक भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि इस तरह से हम डबल साड़ी को किस तरह से ड्रेप करते हैं। और फ्रेंड, यदि आप सिर पर पल्लू भी लेना चाहते हैं तो इस तरह से पल्लू भी ले लेंगे, तो हमारे लहंगे और दुपट्टे का लुक जो है बेहद ही खूबसूरत सा निकल के आएगा। तो फ्रेंड, ये बहुत ही डिफरेंट और खूबसूरत सा साड़ी ड्रेपिंग लुक है, तो फ्रेंड इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि साड़ियों से हम लहंगा और दुपट्टा को किस तरह से सेट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लहंगा ड्रेप करने के लिए एक सिल्क साड़ी का यूज़ किया है, जो कि ब्लैक साड़ी है, और इस साड़ी से मैं लहंगा ड्रेप करूँगी, जिससे कि लहंगे का लुक बहुत ही खूबसूरत सा आने वाला है। तो फ्रेंड, ये एक प्लेन साड़ी है और इसका बॉर्डर गोल्डन है, जिससे कि लहंगा जब ड्रेप होता है तो लहंगे का लुक बेहद ही खूबसूरत सा लगता है। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि साड़ी से हम लहंगा किस तरह से ड्रेप करते हैं। तो लहंगा ड्रेप करने के लिए मैंने साड़ी के जो फैब्रिक है ना, उसको थोड़ा पीछे से टक इन किया है, और यदि हमें कोई हील वगैरह पहननी है तो इसी टाइम पर हमें पहन लेनी चाहिए, ताकि लहंगा हमारा बाद में ऊंचा नीचा ना लगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक हील पहन ली है और उसके बाद मैंने साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट किया है लहंगे के रूप में। तो इस तरह से वन बाय वन करके हम प्लेट्स लेते रहेंगे और एक एक प्लेट्स को ले लेकर के हम पेटीकोट में टक इन करते जाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर प्लेट्स हमें अच्छी चौड़ी चौड़ी सी लेनी है और थोड़ी सी गैप, मतलब एक एक इंच के गैप से हमें इन प्लेट्स को टक इन करते जाना है कुछ इस तरह से। और बीच बीच में हमें थोड़ा सा फिनिशिंग पर भी ध्यान देना है, ताकि ये जो हमारी प्लेट्स है ऊपर नीचे ना हों, बिल्कुल इक्वल ही रहे नीचे से। तो इस तरह से मैं नीचे की साइड देखते हुए और बीच में भी ध्यान देते हुए इन प्लेट्स को बना कर टक इन करती जाऊंगी कुछ इस तरह से। तो यदि इस तरह से हम प्लेट्स बना कर थोड़ी सी दूरियों पर टक इन करके पूरे लहंगे को सेट करते हैं, जिससे कि लहंगे का फ्लेयर जो है, घेर, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लहंगा अब कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर जो बच गया है फैब्रिक, उसे भी हम अच्छे से टक इन कर लेंगे कुछ इस तरह से। और लास्ट का जो मतलब फैब्रिक बच जाता है बॉर्डर वाला, उसे हमें अंदर की तरफ मोड़ते हुए ही टकिंग करना है, जिससे कि क्या होगा कि जो बॉर्डर है वो अलग नहीं दिखेगा, वरना से क्या होगा कि बॉर्डर दिखेगा तो कोई भी बता सकता है कि ये साड़ी से ही ड्रेप किया है। तो इस बॉर्डर को छुपाते हुए, मतलब अंदर की साइड करते हुए कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके, और फिर उसे हम पेटीकोट में टक इन कर लेंगे, जिससे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये जो लहंगा ड्रेप किया है वो साड़ी से किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा लहंगा कंप्लीट हो चुका है।
तो फ्रेंड जब हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा दुपट्टा है ना उसे सेट कर लेंगे। तो देख लीजिए कि लहंगा बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। और चलिए फ्रेंड अब दुपट्टा सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक दूसरी साड़ी ले ली है जो पिंक कलर की है और इसका फैब्रिक जो है वो जूट सिल्क का है, जिससे कि दोनों साड़ियों का जो कॉम्बिनेशन है उसे बेहद ही खूबसूरत सा लहंगा और दुपट्टा वाला लुक निकल करके आया है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने एक पिंक साड़ी ले ली है जिसका मैं दुपट्टा सेट करूँगी। तो दुपट्टा सेट करने के लिए ये जो पल्लू वाला पोर्शन है ना, उस पल्लू वाले पोर्शन को हमें पकड़ना है और उसकी हमें सिंपल सी प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरह से मैं प्लेट्स बना लूँगी और प्लेट्स बन जाएगी तो उसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे और ऊपर करके थोड़ा सा यदि सेक कर लेते हैं तो अपने आप ही प्लेट्स सेट हो जाती हैं। चूँकि इसका कपड़ा बेहद ही अच्छा है इसलिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी प्लेट्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद उसे हम शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो चुकी है कुछ इस तरह से। हमने जितना बॉर्डर है ना उतनी ही चौड़ी प्लेट्स ली हैं, तो कुछ इस तरह से हमारी प्लेट्स बन गई है। और उसकी लेंथ हमें इतनी लेनी है कि वो हमारे नी से घुटने से थोड़ी सी नीचे तक की आए, जिससे कि दुपट्टे का जो लुक होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और यदि सिर पे भी अगर हम पल्लू लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छे से आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी कि उसकी लेंथ इतनी ही रखूँगी और उसे शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपनी टमी के पास जो प्लेट सामने शोल्डर प्लेट्स है ना उन्हें भी मैंने टक इन कर लिया है, जिससे कि ये जो सामने वाला लुक है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और फ्रेंड अब क्या करेंगे कि इस फैब्रिक को हम पकड़ करके जो हमारा लास्ट वाला साड़ी का पोर्शन रहता है उसे हम आगे की तरफ लेकर के आएंगे पीछे से घुमा करके, और क्या करेंगे कि उसकी हम प्लेट्स बना लेंगे। और प्लेट्स बनाने के बाद उसे हम क्या करेंगे सामने बेली बटन के पास कुछ इस तरह से टकिंग कर देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से टकिंग कर लिया है और फैब्रिक को पकड़ना है। पकड़ करके हमें थोड़ा सा यहाँ पर पोर्शन छोड़ना है कमर के पास, ये जो थोड़ा सा लूम टाइप का है ना वो हमें थोड़ा सा छोड़ना है जिससे कि लुक अच्छा आएगा। और फिर बाकी का जो फैब्रिक बच गया है उसके हम प्लेट्स बना लेंगे। और इन प्लेट्स को बना करके हम पीछे बैक साइड पर ही टकिंग कर देंगे पेटीकोट में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी प्लेट्स बन जाएंगी। तो उन्हें अब मैं आप देखिए किस तरह से टकिंग करने वाली हूँ। फ्रेंड यहाँ पर प्लेट्स बन चुकी है और पीछे ले जाएंगे हम इस तरह से पीछे ले जा करके, और इन प्लेट्स को थोड़ा सा हम चौड़ा मतलब फैला लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और फैला करके बैक साइड पर हम इस तरह से टकिंग कर देंगे। हमें नीचे लेंथ भी देख लेनी है कि कहीं ज़्यादा ना हो, तो बस लहंगे के जितनी ही लेंथ लेनी है हमें तो थोड़ा सा सेट कर लेंगे। और पीछे से लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है आप देखिए बहुत ही सुंदर। और आप चाहे तो यहाँ सामने से इस तरह से भी रख सकते हैं और यदि चाहे तो थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिफरेंट थोड़ा सा करने के लिए क्या किया है कि उसकी एक दो प्लेट छोड़ दी है और इधर साइड पर भी थोड़ा सा मैंने लूम निकाल लिया है कुछ इस तरह से। और यदि थोड़ा और ज़्यादा कम लग रहा है आपको तो आप चाहे तो पीछे से भी एक दो प्लेट्स खोल सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया था कि मुझे दोनों साइड एक जैसा ही लूम चाहिए था, तो मैंने पीछे साइड से कुछ इस तरह से एक दो प्लेट्स खोल ली थी और फिर दोनों साइड जो लूम है निकला हुआ वो मैंने इक्वल कर लिया है। तो इस तरह से लुक आया है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ मैंने सेट की अपनी चुनरी को मतलब दुपट्टे को मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से निकल करके आया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने जो पिन लगाई थी कपड़े सुखाने वाली प्लेट्स में उसे निकाल लिया है और यहाँ पर हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। तो लहंगा और दुपट्टा मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है डबल साड़ी से। फ्रेंड कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और शेयर आपको बहुत ही ज़्यादा करना है अपनी फ्रेंड और फैमिली में सगे संबंधियों के साथ, ताकि मेरा वीडियो उन काफ़ी लोगों तक पहुंच सके जिससे कि मुझे आपकी हेल्प मिल सकती है।
और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट है और वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।